नमस्कार दोस्तों, हमारी संस्कृति के अनुसार जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम उनका अभिवादन करने के लिए कई तरीकों से विनम्रता और समर्पण भाव को दर्शाते हैं। चाहे फिर वो सिर झुकाकर या हाथ जोड़कर नमस्कार करना हो या फिर चरण स्पर्श करके। शास्त्रों के अनुसार देवता, गुरु, माता पिता, अपनों से बड़ों और बुजुर्गों की चरण वंदना को श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा करने से हम अच्छे इंसान तो कहलाते ही हैं, इसके साथ ही एक सफल इंसान भी बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे चरण स्पर्श क्यों करते हैं और इसके फायदे, इसके साथ ही बताएंगे पैर छूने की सही विधि। तो आइए जानते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब आप अपने से बड़ों के पैर छूते हैं तो समय उस इंसान के मुख से आशीर्वाद में दुआएं और सद्वचन ही निकलते हैं, जिससे हमें शुभ फल मिलते हैं। इससे हमें बड़ों के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और हमारी यश, कीर्ति व उम्र भी बढ़ती है। जब हम किसी के पैर छूते हैं तब उस इंसान की सकारात्मक शक्तियाँ हमें आशीर्वाद के रूप में मिल जाती हैं और उस इंसान द्वारा किए गए शुभ कर्मों का प्रभाव भी हमें मिलता है। अनेक शोधों से अब ये भी स्पष्ट हो चुका है कि चरण स्पर्श करने से शारीरिक, मानसिक और वैचारिक विकास अच्छा होता है। ये एक ऐसी परंपरा है जिससे न केवल बड़ों का आशीर्वाद मिलता है बल्कि बड़ों के स्वभाव की अच्छी बातें भी हमारे अंदर प्रवेश करती हैं। चरण स्पर्श व्यक्ति के मनोबल को बढ़ाता है। अगर आप किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति हेतु घर से निकल रहे हैं तो चरण स्पर्श करने से उस लक्ष्य को पाने का बल मिलता है। ये क्रिया मन को शांति प्रदान कराता है। जब भी हम चरण वंदना करते हैं तो हमें उस इंसान की ब्लेसिंग्स सफलता के नजदीक ले जाती है। भगवान गणेश भी देवताओं में प्रथम पूज्य अपने माता पिता के आशीर्वाद से ही बने। यही नहीं, चरण स्पर्श करने से व्यक्ति की शारीरिक कसरत भी होती है। झुककर पैर छूने, घुटने के बल बैठकर या दंडवत करने से शरीर लचीला होता है। साथ ही आगे की ओर झुकने से सिर में रक्त का संचार बढ़ता है जो सेहत के लिए फायदेमंद है। यही नहीं, चरण स्पर्श करने के वैज्ञानिक फायदे भी हैं। जब हम किसी बड़े के पैर छूते हैं तो हम अपने हाथों को उनके पैरों पर रखते हैं और वो अपना हाथ हमारे सिर पर रखते हैं। इस तरह विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का चक्र बन जाता है और उनकी ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित होने लगती है। वैज्ञानिक न्यूटन के सिद्धांत के अनुसार सभी वस्तुओं में गुरुत्वाकर्षण होता है। इसमें सिर को ऊपरी ध्रुव और पैरों को दक्षिणी ध्रुव माना गया। ये गुरुत्व या चुंबकीय ऊर्जा हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवाहित होकर अपना चक्र पूरा करती है। शरीर के दक्षिणी ध्रुव मतलब पैरों में ये ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठी हो जाती है। पैरों से हाथों द्वारा इस ऊर्जा को ग्रहण करने की प्रक्रिया ही चरण स्पर्श कहलाती है। आज के समय में जब हम किसी के पैर छूते हैं तो बस हाथ लगाकर आगे चले जाते हैं, लेकिन ज्योतिष में इसकी सही विधि भी बताई गई है। पैर छूते समय बाएं हाथ से बाएं पैर और दाएं हाथ से दाएं पैर को स्पर्श करना चाहिए। इससे ऊर्जा का प्रवेश तेजी से पूर्ण होता है। अगर इसके विपरीत किया जाए तो ऊर्जा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न हो जाएगी। तो अगली बार जब भी किसी के पैर छुएं तो इस विधि को जरूर अपनाएं और घर से बड़ों के पैर छू कर ही निकले। इससे उनका आशीर्वाद और दुआएं आपके लिए सुरक्षा का काम करता है, साथ ही आपका लक्ष्य हासिल करने में भी मदद करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।